हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में आपके साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 51 है, जिसमें हम लोग स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन या वेमेंस मूवमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 30 है। तो आइए शुरू करते हैं। महिला आंदोलन को आधुनिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। विश्व के प्रायः अधिकांश समाजों के पुरुष प्रधान होने के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने साथ होने वाले शोषण, उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। महिलाओं ने समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक मान्यता, तलाक के अधिकार, मताधिकार, शिक्षा की सुविधाएं तथा स्वतंत्रता आदि मांगों को लेकर अनेक आंदोलन चलाए हैं। 20वीं सदी में विमेन लिब का आंदोलन विश्व प्रसिद्ध महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महिला आंदोलन सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही नहीं किए गए, बल्कि महिलाओं के अधिकार से संबंधित अधिकांश आंदोलनों का नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया गया। उदाहरणार्थ, सती प्रथा निषेध तथा विधवा पुनर्विवाह को लेकर किया गया आंदोलन महिलाओं ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने किया था। विश्व के अन्य समाजों के समान भारत में भी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक ऐसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने समय समय पर आंदोलन करके स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए आवाज़ उठाई। 20वीं शताब्दी महिला जागरण युग के नाम से जानी जाती है। सामान्यतः महिलाओं की मुख्यतः दो प्रमुख समस्याएं रही हैं, प्रथम आर्थिक निर्भरता और दूसरी परिवार में असुरक्षित स्थिति। नारी आंदोलन के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था, और इस वर्ष विशेषतः महिलाओं के कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लेकिन आज भी भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होने के साथ उनमें जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय समाप्त नहीं हुआ है। आइए हम देखते हैं भारत में महिला आंदोलन किस प्रकार से चला। भारत में महिला आंदोलन का संबंध पुनर्जागरण से उत्पन्न होने वाली उस चेतन से है, जिसने महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की प्रेरणा दी। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज ने अपने सुधार आंदोलनों के द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयत्न किए थे। इसके बाद गांधी जी के द्वारा भी महिलाओं को आगे लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए, और गांधी जी के नेतृत्व में ही स्त्रियों को पहली बार सामूहिक रूप से
घर से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह में भाग लेने का अवसर मिला। भारत में महिला आंदोलन आरंभ होने से पहले हमें भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को जानना आवश्यक है। वैदिक काल में यहाँ महिलाओं की स्थिति अत्यंत उच्च थी तथा नारियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में भी कुछ यही दशा थी। उत्तर वैदिक काल के बाद तीसरी शताब्दी 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तथा के समय तक धर्मशास्त्र में मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं की स्थिति जो है उनमें गिरावट आने लगी और स्त्री एक वस्तु बन गई जिसे पुरुष अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार उपयोग में ला सकता था। मनुस्मृति में यह व्यवस्था दी गई कि स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके बाद 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का समय मध्यकाल कहलाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में जितना पतन हुआ उतना दूसरे किसी भी काल में पतन नहीं हुआ। इसी कारण मध्यकाल को स्त्री जाति के लिए काला युग के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश काल 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता पूर्व तक का समय है, जिसमें सर्वप्रथम 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किया। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि ने मिलकर महिला शिक्षा के लिए और महिला को हर क्षेत्र में अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। आइए हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से महिला आंदोलन की को एक विशेष रूप से देखा गया है, या हम कह सकते हैं कि भारत में महिला आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। परंपरागत रूप में महिलाओं की भूमिका परिवार की चारदीवारी के अंतर्गत ही सीमित कर दी गई थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, दहेज, तलाक पर प्रतिबंध आदि के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे अत्यंत ही दयनीय होती चली गई। भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी को सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। इस समय ब्रिटिश शासन के कारण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों के प्रसार के कारण भारतीय समाज में भी कुछ सुधार के प्रयास किए गए। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए भी प्रयास किए गए। 20वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। भारतीय महिला आंदोलन की चौथी विशेषता या आगे की विशेषता हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की सक्रिय भूमिका को समाज में बढ़ाना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और वैधानिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण समाज में इनकी एक अलग पहचान बनने लगी। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, वयस्क मताधिकार, रोजगार की समानता जैसे विभिन्न कानून पारित होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होने के साथ ही साथ समाज में इनका शोषण भी कम होने लगा। इन अधिनियमों के कारण स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की आवाज़ तेज हुई है
और आज महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर दूसरे क्षेत्रों में भी समानता के लिए संघर्ष करने लगी हैं। भारतीय महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषता इसका प्रारंभिक चरण में होना है। आज भी भारतीय समाज में महिलाओं को पूर्णतः नैतिक समर्थन नहीं मिल पाया है। नैतिक समर्थन के अभाव के कारण ही भारतीय महिला आंदोलन केवल स्त्री पुरुष समानता तक ही सीमित है तथा इसमें पुरुष प्रधान समाज में महिला मुक्ति की बात अभी भी अभाव देखा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वतंत्र भारत में किस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन की तरह प्रयास किए गए। उनके प्रयास को एक आंदोलन ही हम कह सकते हैं। जब व्यापक स्तर पर किसी चीज़ के लिए प्रयास किए जाते हैं तो उस तरह के प्रयास को आंदोलन कहा जाता है। तो महिला सुधार के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं और अगले क्लास में हम भारत में नारी सक्रियता का आंदोलन पढ़ेंगे कि किस प्रकार नारियां सक्रिय होकर के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाई हैं और भारत में महिला संगठन कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।